Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel, viewers. Please don't forget to subscribe my channel. आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है होममेड पिज्ज़ा डो. के घर में डो किस तरह से पिज्ज़ा की बेस्ट बनती है, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. हमें अपनी पिज्ज़ा डो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा. इसमें हमने 4 से 5 चम्मच भर के मैंने गर्म पानी के लिए हैं, मतलब नीम गर्म पानी ले लेंगे. आधा चम्मच लेंगे नमक, 1 चम्मच लेंगे चीनी, 3 चम्मच लेंगे हम ऑयल के, और 1 चम्मच लेंगे भर के यीस्ट. यीस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि यीस्ट जो होती है वो डो को फुलाने का काम करती है. अब इसका हम आटा गूंथ देते हैं. अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी पिज्ज़ा डो बहुत बेस्ट बनेगी. कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो मुश्किल हो, जो आपको ना मिल सकता हो. ये यीस्ट भी आपको तकरीबन 30 या 40 का सशा मिल जाता है, जिसमें आपके 2-3 पिज्ज़ा की डो आराम से बन सकती है. तो कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है. हम अपनी डो बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें हम नमक ऐड करेंगे, फिर चीनी, साथ ही यीस्ट. इन तीनों चीज़ों को हम पहले मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से. फिर इसमें ऑयल और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे. जैसे हम आटा गूंदते हैं, आटे को हम थोड़ा ज़्यादा गूंदते हैं, लेकिन डो को हमने इतना ज़्यादा गूंदना नहीं होता. अगर आप इसमें चाहें आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस तरह भी आपकी डो बेस्ट बन सकती है. अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, इसको भी मैं मिक्स करती हूँ पहले. पिज्ज़े की डो को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम नीम गर्म दूध भी ऐड करेंगे. अब हमने जिस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, उस तरह से पानी डाल के इसको गूंथते जाएंगे. पिज्ज़ा डो हमारी परफेक्टली रेडी है. अब हमने इसको क्या करना है, तकरीबन 2 घंटे के लिए, मतलब 2 आवर्स के लिए हमने इसको कवर अप करके रख देना है अच्छे तरीके से. और 2 घंटे के बाद इस हमारी पिज्ज़ा डो बिल्कुल तैयार हो जाएगी. आप देखेंगी कितने अच्छे तरीके से ये फूल जाएगी. 2 घंटे के बाद मैं आपको इसकी डो दिखाती हूँ. आप जैसे देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से पिज्ज़ा डो जो है वो फूल चुकी है. तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स और रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा. अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.